सो गैस, जब भी वो टीवी लेते थे तब क्या होता है ना गैस, आपको चाहिए होता है एक साउंड सिस्टम। एंड आपको आप गैस एक साउंड सिस्टम खोजना स्टार्ट करते हैं या फिर मेरे को साउंड बार खोजना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में गैस आप जो अपना अपना प्राइस रखते हैं, जैसे कि 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 30,000 हुआ, इसी प्राइस पॉइंट तक आपको जो है वो साउंड सिस्टम चाहिए होता है। तो गैस ऐसे में गैस आज मैं आपके लिए गैस 6 बहुत ही कमाल के साउंड बार्स लेके आ गया हूँ, जो कि गैस आपको देखने को मिल जाते हैं अंडर 10,000 रुपीज़ एंड सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो यही सारी चीज़ें गैस आज मैं आपको इस वीडियो में गैस बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, साइड में लगा बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सको। चलिए गैस बिना देर के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। 6th Phase पर जो साउंड बार सिस्टम आता है गैस मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटोरोला M-Phase साउंड एक्स। अगर हम इस साउंड बार सिस्टम की बात करें तो गैस एक 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम है एंड इसका टोटल पावर आउटपुट होगा गैस 120 वाट, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब अपने एक रूम के लिए गैस ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, साउंड के मामले में ये पीछे बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें को डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड आपका जो साउंड बार है उसमें कुछ 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट होने के कारण आपको जो है साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और इसमें 4K साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके वजह से आपका जो है साउंड सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड आपका जो है साउंड बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है। फीचर्स की हम बात करें तो गैस इसमें आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ और HDMI टू ARC एंड ऑप्टिकल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो अपने टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें गैस आपको वायरलेस सबवूफर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो अपने सबवूफर को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली सबवूफर को जो है बेस है वो भी बहुत ही अच्छा है गैस एंड ऑब्वियसली दोनों कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा आपको जो है साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी दोनों ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर उसके प्राइस की बात करते हैं गैस, इसका प्राइस है 8,433 रुपीज़। तो बताइए गैस ये साउंड बार सिस्टम को किस प्रकार से लगा। 5th Phase पर जो साउंड बार सिस्टम आता हुआ है गैस क्रिएटिव्स की तरफ से आने वाला क्रिएटिव स्टेज, जहाँ गैस क्रिएटिव स्टेज इसका मतलब नाम है। अगर मैं इस साउंड बार सिस्टम की बात करूँ तो गैस ये 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम है एंड इसका टोटल पर आउटपुट अगर हम बात करें तो वह 160 वाट। एंड इसका जो साउंड बार में 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं जो कि फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं एंड इसका जो सबवूफर भी बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका साउंड बार दोनों की बात करूँ तो आपको जो है बहुत अच्छा साउंड एंड बेस भी इसमें देखने को मिल जाता है एंड ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत ही अच्छा भी साउंड देखने को मिल जाता है एंड बेस भी दोनों बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। फीचर्स की हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ, USB, AUX, ARC एंड ऑप्टिकल का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी गैस आपको वायरलेस सबवूफर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक चीज़ है गैस जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है गैस कंट्रोल कर सकते हैं अपने ट्रैवल एंड बेस, यानी गैस आप जो अपने ट्रैवल एंड बेस जो अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं और इसका प्राइस भी गैस उतना इंटरेस्टिंग है, वो है गैस 6,327 रुपीज़। तो बताइए गैस आपको किस प्रकार से लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। 4th Phase पर जो साउंड बार सिस्टम आता है वो है गैस बोट की तरफ से आने वाले बोट इवेंट बार 2000। अगर हम इस साउंड बार सिस्टम की बात करें तो इसे भी आपको एक 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम है। अगर हम इसके बात करें तो टोटल पावर आउटपुट है वो गैस 160 वाट टोटल पावर आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है। अगर साउंड बार में जो है गैस आपको 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको एक सबवूफर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो साउंड एंड बेस भी इसमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें कैसे आपको HD साउंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डिजिटल ऑडियो का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो साउंड क्वालिटी है वही बहुत ही अच्छा देखने को इसमें मिलता है। कनेक्टिविटी एंड फीचर्स की हम बात करें तो कैसे इसमें भी आपको ब्लूटूथ, AUX, USB ऑप्टिकल इनपुट एंड HDMI 2RC का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें कैसे आपको वायरलेस सबवूफर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इसका जो साउंड भी है गैस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है डेफिनेटली। एंड इसका प्राइस अगर हम बात करें तो कैसे ये अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का प्राइस में आता है, वो है 9,999 रुपीज़ में ये जो है आता है। एंड 3rd Phase पर जो साउंड बार सिस्टम आता है वो है गैस ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब ज्यूक बार 6000 DWS Pro। अगर हम इस साउंड बार सिस्टम की बात करें तो गैस ये भी आपका एक 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम है, जो कि गैस प्रोड्यूस करता है आपका 160 वाट एंड आपका जो साउंड बार है उसमें आपको 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर मैं साउंड सिस्टम की बात करूँ तो गैस इसमें बहुत ही अच्छा जो साउंड ये प्रोवाइड करता है एंड ऑब्वियसली बेस एंड ट्रेवल की बात करूँ तो गैस इसमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, ऑब्वियसली बेस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है एंड साउंड क्वालिटी के मामले भी कोई पीछे नहीं है। अगर हम सिर्फ फीचर्स की एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, AUX, USB, HDMI टू ARC का सपोर्ट एंड ऑप्टिकल इनपुट का भी सपोर्ट देखने को इसमें मिल जाता है। इसमें भी कैसे आपको वायरलेस सबवूफर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड इसका प्राइस अगर हम बात करें तो सी आपका आता है 8,499 रुपीज़। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए गाइस कि ये साउंड बार सिस्टम को किस प्रकार से लगा।
दूसरे नंबर जो साउंड बार सिस्टम आता है वो है गाइस सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग SW T45EXL। अगर हम साउंड बार सिस्टम की बात करें तो गाइस ये भी 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम है। एंड इसका जो साउंड बार है गाइस उसमें आपको 3 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसका जो साउंड बार आया ना सबवूफर भी है, बहुत ही अच्छा साउंड करता है। बेस भी इसमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें अगर साउंड मोड्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें स्मार्ट साउंड का फीचर देखने को मिल जाता है, डॉल्बी ऑडियो का फीचर देखने को मिल जाता है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, सराउंड साउंड का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इस साउंड बार सिस्टम में गाइस आप जो है गेम्स भी इसको कनेक्ट करके आप जो गेम्स भी खेल सकते हैं, जिसके वजह से ये जो वेल ऑप्टिमाइज्ड है गेम के लिए भी, ताकि आपको जो साउंड जो है बहुत ही अच्छा आए। अगर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो गाइस इसमें आपको ब्लूटूथ USB एंड ऑप्टिकल का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यस गाइस तीन ही का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसमें का साउंड गाइस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। बेस भी इसमें बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इसमें भी कैसे आपको वायरलेस सबवूफर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्राइस अगर हम बात करें तो वही 10,499 रुपीज़, लेकिन गैस ऑफर्स के टाइम इससे जो है गैस आप 10,000 के अंदर भी इसे ले सकते हैं। पहला नंबर जो साउंड बार सिस्टम आता है वह गैस LG की तरफ से आने वाला LG SJ3। अगर हम साउंड बार सिस्टम की बात करें तो कैसे आपको 2.1 चैनल साउंड बार सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंड ये जो प्रोड्यूस करता है 300 वाट, जो कि बहुत ही अच्छा है। इन सारे जितने भी स्पीक साउंड बार मैंने बताया सभी से बहुत ही अच्छा जो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें इसके ऑडियो फीचर्स की तो गाइस इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का फीचर देखने को मिल जाता है, एंड डिजिटल सराउंड साउंड का भी फीचर देखने को मिल जाता है, DTS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड PCM का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको साउंड के मामले में इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब ऑब्वियसली इसमें बहुत तरह के जो है साउंड मोड्स इसमें दिए गए हैं, जिसके वजह से आपको जो है साउंड सिस्टम ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा मिल जाता है। साउंड के मामले में भी बहुत ही अच्छा है। अगर हम बेस के में बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छा बेस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसका जो सबवूफर है वो 200 वाट का है, जिसके वजह से आपको जो बेस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आपका रूम बड़ा हो फिर भी आपको इसमें जो है साउंड एंड बेस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इसमें आपको गैस ASC मतलब एडिक्टिव साउंड कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से आपको जो वो टाइम टाइम आपको जो साउंड को जो है कंट्रोल करता रहता है आपका मतलब। एंड इसमें गैस ऑटो साउंड इंजन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और गैस इसमें आपको बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें गैस आप जो है डॉल्बी ऑडियो जो सिस्टम है, ये जो मतलब ये साउंड सिस्टम है, इसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी, बहुत सारे चीज़ें मतलब फीचर्स भी इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। एंड इसे कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ SDMI देखने को नहीं मिलता है, USB ऑप्टिकल एंड ऑक्स का बस सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी कैसे आपको वायरलेस सबवूफर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड प्राइस की अगर बात करें तो कैसे आपको आता है 10,499 रुपीज़, लेकिन ओवर का टाइम में कैसे आपको 10,000 रुपीज़ के अंदर जो कि देखने को मिल जाता है। सो गैस ये थे कुछ साउंड बार सिस्टम जो कि गैस देखने को मिल जाता है 10,000 रुपीज़। एंड सभी जितने भी साउंड बार सिस्टम से गए सभी का जो है आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाएगा सबको परचेस कर सकते हैं। एंड गैस अगर आपको चाहे 20,000 रुपीज़ के अंदर भी कोई साउंड बार तो गैस उसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक जो है इसको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी गैस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गैस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।